उसकी मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया गया धज्जियां उड़ा दी तुमने उसके ट्रीटमेंट पे बोला तुमने उसको इंटरव्यू दिया जहाँ उसने बोला है कि अभिषेक हैबिक नहीं है उसको बस बंद कमरों में घबराहट होती है बेटा वही तो होता है एक्चुअली ईशा ना मैं उसको देखती थी एटलीस्ट टॉप थ्री टॉप फाइव में तो देखती थी उसने अपने कारनामों की वजह से ना वो निकल गई शोज आपका एक पोस्ट देखा था ईशा हमने आपने अभिषेक के लिए जो आपके कोस्ट आर रह चुके हैं बेकाबू में काफ़ी आपने ऐसे लगा कि एक होता है ना हमारे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रहे उसके लिए हम अगर अपना दिल खोल कर कुछ बातें रख दें हमें बुरी लग जाए अगर उसे किसी ने हर्ट किया हो तो वैसा लगा था मतलब वो अचानक से पोज डालना मतलब क्या बताना चाहेंगे आप आपका बॉन्ड अभिषेक के साथ कैसा है वो चीज़ जो हुई थी ना वो बहुत गलत हुई थी उसके साथ और मैं मुझसे रुका नहीं गया मैं और मैं बहुत ऐसे आग बबूला हो गई थी मैंने बोला क्या कर रहे हैं यार हम एक हम इंसान हैं हम बेसिक ह्यूमैनिटी कैसे भूल सकते हैं उस लड़के को इतना पोक किया uh, इसलिए मैंने वो पोस्ट लिखा था उसकी मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया गया धज्जियाँ उड़ा दी तुमने उसके ट्रीटमेंट पर बोला तुमने उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी विच वॉज नॉट राइट एंड इसलिए मैंने वो पोस्ट लिखा था उसके सपोर्ट में नॉट बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने उसके साथ काम किया बिकॉज़ एक इंसान के एक वो बहुत ही हार्ट टू हार्ट था एक नॉर्मल इंसान से एक दूसरे इंसान के लिए था वो उस टाइम दोस्ती नहीं थी और वो पूरी आई थिंक बहुत सारे लोग सपोर्ट में आए थे उसके मैंने अभिषेक के साथ काम किया है और मैं उस लड़के को जितना भी जानती हूँ ही इज़ अ फन पर्सन टू वर्क विद वो बहुत मस्त है हम लोग नावला ट्रिप पर भी गए थे और अभिषेक के साथ ना यार पता वो दिल का बहुत सही लड़का है और दिल का बहुत साफ है उसके दिल में छल कपट नहीं है वो बहुत ही बचपना है उसके दिल में और वो बहुत ट्रू इमोशन है वो जो भी करता है वो बहुत जेनवन इमोशन के साथ करता है उसके मन में फिल्टर्स नहीं हैं सो so, अगर बात करेंगे जिस तरह से सलमान खान सर ने खुद तारीफ़ कर दी थी जो चाटे पड़े थे जब आई एम श्योर आप इतना फॉलो कर रहे हो तो स्क्रीन में ही आप सामने ही हो गए जब चाटा पड़ा समर्थ को उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था सच बताऊँ मैंने बोला अभिषेक तीन और मारने थे उसको मेरे दिल से निकली थी वो चीज़ और अगर शायद मैं उस जगह होती ना उस तो वो तो एक पे रुक गया मेरा मेरा हाथ नहीं रुकता उस दिन बिकॉज मैंने जो देखा और मैं ऐसी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी गुस्से वाली लड़की नहीं हूँ बट मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लड़का जो वहाँ खड़ा था जिसके साथ वो सब हो रहा था टे शू में डाला जा रहा था वो उसको क्या लग रहा होगा एंड आई फील आई आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी बैड फॉर हिम यू you नो know, वो टूट चुका था उस मोमेंट पे बिकॉज दो लोग अप करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा है और जब सलमान सर ने कहा था कि बेटा सीटियाँ बजी थी जब मारा विच वॉज वेरी ट्रू मैं अपने सोफे के ऊपर खड़े होकर डांस किया था सर अच्छा मारा अच्छा मारा और जब वो गया भी था घर से उसकी चर्चा से तो मुझे लगा था कि नहीं शुड नॉट गो एंड देन ये केम बैक लाइक अ हीरोनली उसके एंट्री बहुत सही थी एंड आई एम ग्लैड ही इज़ बैक इन द हाउस ही इज़ इन टॉप फाइव एंड आई होप ही विंस द शो जिस तरह से ईशा जो अभिषेक की गर्लफ्रेंड थी अब एक्स हो चुकी हैं बट जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए हैं अभिषेक के लिए जितनी भी बातें उन्होंने बोली हैं मतलब जो नेगेटिव वे में जा रही है बाहर चाहे वो उनकी बीमारी को लेकर हो क्योंकि अभिषेक की मम्मी का भी कहना है कि ईशा को सब कुछ पता था अभिषेक की बीमारी के बारे में जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं उसके बारे में इनफैक्ट अभिषेक छः महीने डिप्रेशन में बेड पर भी थे क्या ये सब चीज़ें आपको पता थी इट गिवस मी गूज बम्स मतलब जस्ट द दॉट ऑफ इट ना कि आपने किसी की आप इतने इनसेंसिटिव हो गए कि आपने किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक बना के रख दिया पता है नेशनल टेलीविजन पे आप किसी की गर्लफ्रेंड रह चुके हो आपने कुछ इमोशन शेयर किया है और कुछ चीज़ें ना बहुत पर्सनल होती हैं वो धज्जियाँ उड़ाने के लिए नहीं होती उस लड़की ने वही किया उसने उसका मजाक बना कर रख दिया स्टिल दैट गाय वॉज स्टैंडिंग देयर ग्रेसफुली ट्राइंग टू मेनटेन हिज डेकोरम एंड ट्राइंग टू बी देर अभिषेक फॉर दैट क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि ये सब हुआ है अभिषेक के साथ मैंने जितना भी काम किया है इतना उसने नहीं बताया था वो तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है यार बट आपने तो जग जाहिर कर आपने तो पूरे नेशनल टेलीविजन पे उसका मजाक बना के रख दिया अभी मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी ईशा का आई डोंट नो ईशा एट ऑल मैं अभिषेक को जानती हूँ इसलिए मैं उसी के बारे में बोलूँगी उनका जो भी पर्सनल मैटर था वो बाहर नहीं आना चाहिए था बट वो बाहर आया और वो बहुत गंदगी करके बाहर आया ईशा ने अभी एक इंटरव्यू दिया जहाँ उसने बोला है कि अभिषेक क्लास्टोफॉबिक नहीं है उसको बस बंद कमरों में घबराहट होती है बेटा वही तो होता है क्लास्टोफॉबिक बंद चीज़ों में जहाँ आपको घबराहट हो कॉम्पैक्ट स्पेसिस में उसी को क्लास्टोफॉबिक बोलते हैं वो है क्लास्टोफॉबिक मैंने देखा मैंने बोला ये क्या बोल रहे है? रही है शीश टू गूगल इट वो बोलिए क्लास्टोफॉबिक तो बहुत बड़ा टर्म है उसको घबराहट होती है बंद कमरों और नाटक कर रहा है हर चीज़ नाटक नहीं होती है यार नहीं होती है कुछ इमोशंस बहुत सही होते हैं उसने तो इतनी गंदगी करी एटलीस्ट अभिषेक उतनी गंदगी तक नहीं उतरा उसका अग्रेशन है मैं मान रही हूँ बहुत गलत है एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट उस लड़के को मैंने हमेशा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए देखा है दैट मीन्स ही इज़ वर्किंग ऑन इट एंड अभिषेक लिफ्ट में भी नहीं आता था जग में बंद कमरे में उसको घुटन होती थी जहाँ भी अंधेरा सा होता था और वो उसमें बिल्कुल एक परसेंट भी फेकनेस नहीं है वो हमेशा से है वो शो के लिए नहीं कर रहा है ये सब उसको होती है घबराहट बिकॉज अभिषेक ने इस बात का भी खुलासा किया है कि आ, आ, शो में जाने से पहले उन्होंने ईशा से बात भी की थी और उन्होंने बोला भी था कि मैं नहीं चाहता कि पर्सनल लाइफ अपनी शो में दिखाई जाए या कुछ बाहर लोगों को पता चले बट अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब सलमान खान इंट्रोड्यूस करवा रहे थे सारे कंटेस्टेंट को ईशा खुद ही आकर सारी चीज़ें बता दी थी अब पूरे नेशनल टी वी सबने देखा था बस उसी दिन से सबको पता चल गया था कि अब घमासान होने वाला है बहुत सही बात बोली आपने क्योंकि जब वो एंट्री हो रही थी और अभिषेक खड़ा था और ईशा खड़ी थी स्टेज पे उस लड़की ने कुरेदनी शुरू करी मतलब वो माइंड बनाकर आई थी कि मैं इस पर टारगेट करने वाली हूँ यार सबका का अपना स्ट्रैटेजीज होती है मुझे लगता है उस घर में ना बहुत सिचुएशन चेंज होती है एक बहुत मेंटल पीस आपका ख़त्म हो चुका होता है लेकिन वो आपके ऊपर है आप उसको कितना डिग करो और कितनी गंदगी में जाओ क्योंकि वो जख्म है सबके ऊपर ना अभिषेक का भी एक स्कार है तुम्हारे एक पास्ट रिलेशनशिप रहा है अभिषेक को आपने देखा होगा वो बहुत बहुत इमोशनली कनेक्टेड है आज तक ईशा के लिए जब समर्थ आया था अभिषेक का क्या हाल हुआ था उसने वो बात भी डाइजेस्ट करी तो उस लड़की के ऊपर बहुत कुछ हुआ है और उसके थाट्स मुझे लगता है थोड़े स्कैटर्ड हैं जो बहुत जायज़ सी बात है लेकिन वैन मुझे नहीं पता वो लड़की सोच कर ही आई थी कि इतनी गंद मचाएगी क्या करेगी बट इट जस्ट ईशा बाहर आने के बाद भी उन्होंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं मतलब उनका वही रुतबा है जो अंदर शो में था मतलब उन उनको ऐसा एहसास ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक बनाकर मैं क्या बोलो उस पर आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है आपके फादर अंदर आए उन्होंने आपको समझाया इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से उनके फादर ने समझाया उन्होंने बोला कि बेटा वो बात गलत थी बट अगर आप बच्चे ही समझने को तैयार नहीं है तो माँ बाप क्या करेंगे मुझे लगता है आई जस्ट फील सॉरी आई फील सॉरी फॉर हर मतलब शी रियली नीड सम सेंस मैं अभी किसी से बोल रही थी कि एक्चुअली ईशा ना मैं उसको देखती थी एटलीस्ट टॉप थ्री टॉप फाइव में तो देखती थी उसने अपने कारनामों की वजह से ना वो निकल गई शो से I, I don't know. She's very yaar. Matlab, उसको शो में अभिषेक का मतलब सच में वो रियल वाला दोस्त कौन दिख रहा है क्योंकि अंकिता जी भी थी विक्की भी थे जो निकल चुके हैं मुनावर के साथ मुनावर की बहन ने ऐसे कहा था कि अभिषेक ही तुम्हारे Uh, सही रियल दोस्त हैं बट वॉट यू थिंक एज अ ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूँ क्या लग रहा है आपको अभिषेक और मुनावर की वो जो दोस्ती है वो सिर्फ गेम के लिए है या सच में कुछ बॉन्ड है देखिए मुनवर को तो मैंने शो में देखा है और अभिषेक को मैं पहले से जानती हूँ अभिषेक ऐसा लड़का है जो दोस्ती निभाने वाला है और दोस्ती निभाएगा और मुनवर और अभिषेक की दोस्ती ना बहुत प्यारी लग रही है एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं हाथ पकड़ कर और बहुत जेनवइन इमोशन है दोनों के लिए तो मैं एक्चुअली मुनवर और अभिषेक को टॉप टू में देखती हूँ बिकॉज़ मुनवर का गेम भी बहुत अच्छा है एंड जो भी उसका रहा वो अलग चीज़ है बट आई थिंक सो कि उनकी दोस्ती मेनटेन रहेगी आगे तक Uh, जो टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स हैं आपको क्या लगता है इसमें से डिजर्विंग कौन नहीं था और जो बाहर नील ऐश्वर्या भी निकल चुके हैं ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स निकले आपको क्या लगता है ठीक है डिजर्विंग तो मुझे लगता है वो सभी थे तभी टॉप फाइव में पहुँचे हैं बट अरुण जी का मुझे थोड़ा सा शोर नहीं लगता बिकॉज uh, मैंने जितना भी देखा है उनको तहलका भाई और उनके साथ ऐसे मैंने काफ़ी उनको बेड में ही देखा है मतलब यू नो दे वेल चिलिंग बट कुछ अच्छा ही किया होगा आई थिंक लास्ट में उन्होंने अपना गेम थोड़ा अप किया दैट इज़ वाई इज देयर इन टॉप फाइव बट टॉप टू फ अंकिता और विक्की का भी जो पर्सनल लाइफ मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो अपना रिश्ता बचा कर रखने की कोशिश करते हैं बट शो में आपने देखा होगा काफ़ी तमाशा हो गया है उनके रिलेशन का बाहर भी क्या कहना चाहेंगे उस पर मतलब बींग अूमन बींग अगर मैं अगर आपसे पूछूं बिकॉज हम कोई नहीं है कि किसी के पर्सनल लाइफ पे कॉमेंट करें बट एक होता ना थाट शेयर करना तो उस पर क्या कहेंगे आप देखिए कोई नहीं चाहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ स्पेशली हस्बैंड वाइफ जब हुआ तो इतनी धज्जियाँ उड़ जाए फिर इतना बाहर आए चीज़ चीज़ें वो दोनों शायद वो चीज़ मेंटेन नहीं कर पाए और वो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई द मदर इन लॉ थिंग आल्सो वेंट वायरल मैंने जितना देखा था आई जस्ट होप कि वो बाहर आएँ तो थोड़ा रिश्ता ठीक कर लें जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी बाहर वो आ जाएँ थोड़ी लड़ाइयाँ थोड़ी ख़राब हो गई बट मैंने हमेशा देखा है कि अंकिता को चीज़ें संभालते हुए कई बार विक्की जी को भी देखा है चीज़ें संभालते हुए तो आई जस्ट आई जस्ट होप दैट गॉड ब्लेसम एंड सब अच्छा रहे उनकी लाइफ में लास्टली ईशा क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिषेक के फैंस को आपके फैंस को नया शो आया आपको आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए क्या कहना चाहेंगे अभिषेक का फिनाले है पहले तो उसको खूब सारा वोट करो आई वी रेली वॉन्ट कि घर पर आए ट्रॉफी अभिषेक जीते ट्रॉफी एंड टॉप टू में देख रही हूँ मैं उसको टॉप थ्री भी नहीं टॉप टू आई जस्ट प्रे एंड होप कि वो जीत जाए हमारा पूरा सपोर्ट है अभिषेक के लिए उसका खूब सारा वोट करिए रही बात मेरी तो मेरा एक शो आया है जिसका नाम है जब मिला तू जियो सिनेमाज पे उसको देखिए उसको भी प्यार दीजिए थैंक यू